हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग दिवा पुण्यमेदम, जहां मैं अपने डे टू डे लाइफ के कुछ खास एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करती हूं। सो फ्रेंड्स, नाउ इट इज़ मंथ ऑफ मे 2021 और अभी चारों ओर कोरोना पूरा स्प्रेड हो चुका है। फर्स्ट वेव गया, फिर सेकेंड वेव, अभी बोल रहे हैं कि थर्ड वेव आएगा। पता नहीं और कितने वेव्स आएंगे। बहुतों को हम खो चुके हैं। मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं खुद जब फर्स्ट वेव आया तो आई वॉज़ इन्फेक्टेड, मतलब मुझे करोना हुआ था। डॉक्टर बोले थे माइल्ड पॉजिटिव, आई डोंट नो ये माइल्ड किया है डीप किया है, आई डोंट नो, बट थैंक गॉड कि मैं फिर ठीक हो गई। बट अपनों को मैं खो दी और ये सिलसिला चलता ही जा रहा है। जैसे मैं आपको बताई कि मैं आपको अपनी खास एक्सपीरियंसेस आपके साथ मैं शेयर करती हूँ, तो आज मैं आपके साथ एक यूनिक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। ये बात है 1991 की। मैं बहुत छोटी थी और हमारे घर में लैंडफोन लगा फर्स्ट टाइम, तो टेलीफोन एक्सचेंज वाले आए और वो वायर सब कैसा कैसा करके कनेक्शन दिए और हम वेट कर रहे थे कि कब रिंग होगा। वो स्टाफ वाले हमें बता के गए थे कि जो पहला कॉल होगा वो टेलीफोन एक्सचेंज से ही होगा। सो वी वर अवेयर ऑफ इट, वेट कर रहे थे कि कब रिंग हो। ट्रिन ट्रिन वाला ऐसे फ़ोन उठाते हैं, हेलो। हम बहुत खुश थे, जब भी कोई कॉल आता था हम दौड़ के जाते थे कि कौन उठाएगा पहले। उस वक्त हमारे ज़्यादा रिलेटिव्स के पास टेलीफोन नहीं था, तो हमारे घर में पर डे हार्डली 2 या 3 कॉल आते थे, बट वो भी रिसीव करने के लिए हम लोग दौड़ के जाते थे कि फ़ोन उठाएंगे। कितने खुश थे उस वक्त। फ़ोन का रिंग आता था तो लगता था कि जैसे बहुत बड़ा चीज़ हो गया। और उस वक्त का फ़ोन रिंग और आज का फ़ोन रिंग, उस वक्त हम एक्साइटेड थे, वेट कर रहे थे कि कब रिंग होगा और ऐसे ताक रहे थे फ़ोन को, रिंग क्यों नहीं हो रहा है। और आज का दिन, मोबाइल में हज़ारों कॉन्टैक्ट्स हैं और जब भी कोई रिंग आ रहा है, आपके साथ क्या हो रहा है आई डोंट नो, मैं अपनी बात बता रही हूँ। जब भी कोई रिंग आता है, मतलब मोबाइल जब रिंग होता है तो मुझे बहुत डर लग रहा है, मोबाइल उठाने के लिए भी डर लग रहा है। फिर कहाँ से कौन सा एक नेगेटिव कॉल आया, क्या करें, फोन ना उठाएं, साइलेंट कर दें, ये भी नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता नहीं कौन कॉल कर रहा है और जो भी कॉल कर रहे हैं वो किस लिए कॉल कर रहे हैं वो भी हमें नहीं मालूम, तो इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। जितने भी मैसेजेस आ रहे हैं, नेगेटिव मैसेज आ रहे हैं, पॉजिटिव मैसेज भी आ रहे हैं, ये एडमिट है, उसको ऑक्सीजन लगा है, वो सीरियस है, पॉजिटिव भी आ रहे हैं, वो ठीक होके घर अब वापस आ गए, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी, ओनली मेडिसिन में ठीक हो गए, ये भी मैसेजेस आ रहे हैं। बट इंसान है, क्या करें, आदत से मजबूर, नेगेटिव हमेशा याद रहता है और वो जो नेगेटिव मैसेजेस आ रहा है और वो जो दिमाग में एक बार घुस रहा है वो निकल नहीं रहा है, हम खुद उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो इसके लिए मैं एक सॉल्यूशन निकाली हूँ अपने लिए, मैं अपनी बात बता रही हूँ, शायद आपको और लगे। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊँ कि मैं क्या कर रही हूँ। सबसे पहली बात, मैं न्यूज़ चैनल को थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन, क्योंकि जो होगा सबके साथ होगा, है ना। तो अगर न्यूज़ में कुछ स्पेशल दिखा रहा है या बता रहा है तो डेफिनेटली मेरे जो नेबर्स हैं या मेरे जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो अल्टीमेटली मुझे बता देंगे। और इंस्टेड ऑफ न्यूज़ चैनल, मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो
एंटरटेनमेंट वाले चैनल हैं वो मैं देख रही हूँ। और दूसरा चीज़, मैं रोज पूरा मेकअप लेके, जितना मुझे आता है उतना मेकअप लेके एक वीडियो बना रही हूँ। कोई देखे या ना देखे, उन वीडियोस को मैं 4 बार 5 बार देख रही हूँ। और अभी क्योंकि फिजिकली आई एम नॉट फिट, मेरा पैर टूट गया है, तो जब तक पैर ठीक नहीं होता तब तक मैं सोच रही हूँ कि मैं ऐसे वीडियोस ही बनाऊंगी। और फिर बहुत कुछ कर सकते हैं, लाइक ड्राइंग कर सकते हैं, पोएम लिख सकते हैं, या फिर स्टोरीज लिख सकते हैं, जस्ट टू मेक आर माइंड बिजी, है ना। सो ये था आज का मेरा एक्सपीरियंस कि इन द ईयर 1991 हाउ वी वर एक्साइटेडली वेटिंग फॉर द टेलीफोन कॉल्स, फॉर द टेलीफोन रिंग, एंड वट काइंड ऑफ रिएक्शन वी आर हैविंग फॉर टूडेज कॉल। मोबाइल हमेशा अपने पास रहता है, खुद का मोबाइल कोई दूसरा उठाता नहीं है, खुद का मोबाइल हम खुद उठाएंगे, और उसमें भी हम कितना हेजिटेट हो रहे हैं, कितना डर रहे हैं। पहले इतना एक्साइटेड थे फोन उठाने के लिए, लैंड फोन, और आज का मोबाइल हम उठाने के लिए डर रहे हैं। सो ये था मेरा आज का एक्सपीरियंस, होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल गार्डनिंग दीवा पूर्णमेदम। नेक्स्ट टाइम विथ अ डिफरेंट सेट ऑफ एक्सपीरियंस विथ सल्यूशन मैं ज़रूर आऊँगी। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर, बाय बाय।